एक जुलाई देवशयनी एकादशी से कुंभ राशि शुभ समय की होगी शुरुआत। दोस्तों, हिंदू धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रानुसार श्री नारायण ने एकादशी का महत्व बताते हुए कहा है कि देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कब है देवशयनी एकादशी। दोस्तों, देवशयनी एकादशी 2020 में इस साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त जो कि 30 जून शाम 7:49 बजे से प्रारंभ होगा और 1 जुलाई को शाम 5:30 बजे समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1 जुलाई से कुंभ राशि का शुभ समय शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही जरूरी बातें बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और विष्णुदेव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय विष्णुदेव लिखना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई देवशयनी एकादशी के दिन कुंभ राशि वालों को किस तरह से फायदा होगा उसके बारे में। विष्णुदेव की कृपा से कामकाज में अच्छे नतीजे मिलने के योग बन रहे हैं। आपके जीवन की कठिन परिस्थितियां दूर होगी। आप अपने हर कार्य सावधानी पूर्वक अंजाम देंगे। घर परिवार के लोगों की इनकम अच्छी रहने वाली है। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। प्रेम जीवन में आपको शुभ समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। घरेलू जीवन भी शुभ रहेगा। इस दिन निराशा के भंवर से उठना होगा और जो लोग कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले स्वभाव कुछ परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको कार्य पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में चल रही वर्तमान स्थिति व पैसों की तंगी को लेकर मन परेशान रहेगा, लेकिन नेटवर्क को तलाशे आशा की किरण अवश्य मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधित सभी योजनाएं सफल हो सकती हैं। शादीशुदा जिंदगी में आपको कुछ नया अनुभव होने के योग बन रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेहत में सुधार आएगा। पुरानी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। दूर संचार माध्यम से आपको अच्छी खुशखबर मिलने की संभावना बन रही है। आप अपने प्रिय व्यक्ति से मन की बात शेयर कर सकते हैं। धर्म कर्म के कामों में आपकी अधिक रुचि रहेगी। तो दोस्तों, आप बात करते हैं किस तरह से रहेंगे ध्यान में रखने वाली बातें। आपको किसी से भी वाद विवाद करने से बचना होगा। आप अपने गुस्से पर काबू रखें। घर परिवार का वातावरण सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक सुख साधनों के पीछे अधिक पैसा खर्च होने की संभावना बन रही है। आपको अचानक व्यापार के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा वाले लोगों को कार्यस्थल में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, परंतु उसी के अनुसार खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। धन के लेन देन में आपको समझदारी से काम लेना होगा। घरेलू जीवन में उथल पुथल मचने की संभावना बन रही है। आपको अपने पारिवारिक मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। माता पिता की तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रभावशाली लोगों की मदद से आपको अपने कुछ कार्यों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। व्यापार से जुड़े हुए लोग अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। हर क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रेम जीवन में चल रहे मतभेद आप दूर कर सकते हैं। आप अपने समझदारी से हर मामले को सुलझाने में सक्षम रहेंगे। मानसिक चिंता कम होगी। आपको अचानक बड़ा धन लाभ मिल सकता है। निजी जीवन में आपको सुखद नतीजे प्राप्त होंगे। आपकी सेहत में सुधार आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं धन के मामले में दिन कैसा रहने वाला है उसके बारे में। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है, परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप एक गैर जरूरी कार्य में गंभीर मुद्रा में रहेंगे।
एक सहयोगी की स्तुति और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं, इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव भी बन सकता है। लालच आपके रास्ते में दिखाई देगा, लेकिन आवश्यक है कि आप सही मार्ग पर चले। गलत और छोटे रास्ते अंत में आपके करियर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। सही रास्ता चुनना इतना आसान नहीं होगा और ये तभी हो सकता है जब लालच आप पर हावी ना हो। अगर आप अपने से यह नहीं कर सकते हैं तो एक सच्चे शुभ चिंतक की सहायता ले सकते हैं जो आपको मजबूत रहने में मदद करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। आपका पार्टनर साथ देने वाला और काफी मददगार है, इसलिए अपनी चिंताओं को खुद तक ही रखकर परेशान होने की बजाय अपने प्रियजनों के साथ बांटें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और काफी हद तक आपका तनाव दूर हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो कॉफी पीते हुए बात कर सकते हैं। आपका पार्टनर इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा और आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। शायद आप जितना संभल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे ही कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पड़ सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार हैं और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आप भावनात्मक रूप से बिल्कुल शक्तिशाली हैं। आपको इस मौके का प्रयोग अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के लिए प्यार और देखभाल दिखाने के लिए करना चाहिए, लेकिन आपको यह सब करने से पहले मेडिटेशन करके अपनी क्षमता को कोई रास्ता देना चाहिए। अगर आप मूड में हैं तो अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग अतिरिक्त एक्सरसाइज करने के लिए भी जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं देवशनि एकादशी के बारे में। सोने जा रहे हैं भगवान, 4 महीने नहीं होंगे अब ये जरूरी काम। सबसे पहले बात करते हैं सनातन धर्म में देवशनि एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। बता दें कि सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इस राशि से चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री विष्णु श्री सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर भगवान को उठाया जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चतुर्मास कहा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं जुलाई को है देवशनि एकादशी। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनि एकादशी कहा जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह एकादशी हर साल जुलाई महीने में आती है। इस बार देवशनि एकादशी 1 जुलाई यानी कि बुधवार को है। एकादशी तिथि 30 जून को शाम 7:49 बजे शुरू होगी। दोस्तों अब बात करते हैं पुराणों में वर्णित देवशनि एकादशी के बारे में। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत यानी कि चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशनि तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, ग्रह प्रवेश, गोदान प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कार्य हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। यानी कि जब तक भगवान विष्णु निद्रा से नहीं जागते तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसलिए 4 महीने नहीं होते शुभ कार्य। शास्त्रों के अनुसार हरि शब्द, सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। हरि शयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षों के कारण सूर्य चंद्रमा के तेज क्षीण हो जाने से है। मान्यता है कि इस समय पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। यानी कि व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में खुद को सक्षम नहीं पाता है, इसलिए इन 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है।
वही अन्य मतों के अनुसार चतुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की भोलता और सूर्य का प्रकाश भी भूमि पर काफी कम मिलता है, इसलिए इस दौरान किसी भी आयोजन या प्रयोजन से बीमारियों और अन्य दिक्कतों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह थे देवशयनी एकादशी के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा और कमेंट में जय विष्णु देवता लिखना ना भूलेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।